कोरोना संक्रमण के बीच टिहरी जिले के चंबा विकास खंड के चोपड़ियाल गांव के चार युवाओं ने उद्यान विभाग की मदद से स्वरोजगार की राह चुनी है। गांव में सब्जी का बाजार न होने के कारण इन युवकों ने किसानों से सब्जी खरीदकर शहर के डाइजर में विभागीय मदद से स्थापित स्टॉल में सब्जी बेचने की शुरुआत की है। इस कार्य को कर रहे धीरज डबराल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते वे मई माह में घर आ गए थे। नौकरी न होने के कारण वे बेरोजगार थे। ऐसे में गाँव के तीन अन्य युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने किसानों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराया। उन्होंने हमें यहाँ पे एक स्टॉल लगाने की जगह दी है, जिसके करके हमें यहाँ पे लगभग पिछले एक से डेढ़ घंटे में हमने 4 से 5 हज़ार की सब्जी यहाँ पे बेच दी है, तो इससे काफी हमें मदद मिली है। अभी हम फिलहाल इसमें 4 लड़के जुड़े हुए हैं। युवाओं के इस प्रयास से जहां किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, वहीं उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है। चारों युवाओं की इस पहल को प्रोत्साहित करते हुए जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। सबसे अच्छी बात है, देखिए सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ पर सब्जी के लिए ये ऑर्गेनिक सब्जी हमारे डिस्ट्रिक्ट की सब्जी है और आसपास के गाँव में जो भी आजकल सब्जी के क्षेत्र में प्रोडक्शन हो रहा है उसको यहाँ पर ये ला रहे हैं उद्यान विभाग की मदद से, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग कर रहे हैं ये सभी बाहर नौकरी करते थे और वहाँ से नौकरी छोड़ करके आए हैं और इस काम को कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी सभी हमने अधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे, इवन पब्लिक में भी इसका प्रचार प्रसार होगा कि यहाँ पर ताज़ी सब्जियाँ हैं, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट की सब्जियाँ हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और लोग भी अगर इसके लिए आते हैं आगे तो उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर डी के तिवारी का कहना है कि इस तरह रोजगार सृजन से किसानों को फायदा और बेरोजगारों को रोजगार मिलने के साथ ही मंडी को बिचौलियों से भी निजात मिलेगी, साथ ही उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर सब्जी उपलब्ध होगी। अभी जो हमारी सब्जियां उत्पादित होती हैं जो मंडी में जाती हैं तो उनको आधा दाम केवल मिलता है, जिसमें बिचौलियों का ज्यादा प्रतिशत रहता है, किसान को मूल रूप में बहुत कम फायदा होता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो किसान को जितना मिलता था उसे 1.5 गुना मिलेगा, बीच में जो पैसा बिचौलियों को मिलता था वो हमारे प्रवासी भाइयों को मिलेगा जिसके लिए उनका एक रोजगार सृजन होगा, उनको भी आमदनी होगी। तीसरा फायदा ये है कि ग्राहकों को ये फायदा है कि बाजार से उनको 5 रुपये 10 रुपये किलो सस्ता मिल रहा है, साथ ही साथ उनको जैविक और ताजी सब्जियां मिल रही हैं जिसको खाने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस प्रयोग से 3-4 तरह से लोगों को फायदा हो रहा है।